नमस्ते दोस्तों, लिव टू ईट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फलहारी पीनट डिप और उसके साथ हम बनाएंगे आलू चिप्स, इंस्टेंट आलू चिप्स। तो सबसे पहले हम पीनट डिप बना लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1/4 कप ये मूंगफली का पाउडर लिया है। इसको हमने भून कर पीस लिया है, मूंगफली भून कर पीस लिया है। और ये लिया है 1/3 कप दही। ये दही को हमने गाढ़ा कर लिया है। इसको हमने सूप वाली छन्नी में डाल लिया था और 2 घंटे बाद ये गाढ़ी दही हो गई थी। थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, ये जीरा लिया है हमने आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक लिया है, आप स्वाद के अनुसार लेने। 1 हरी मिर्च को मोटा मोटा काट लिया है, थोड़ी सी अदरक है और 1 नींबू का रस है। चलिए बनाना शुरू करते हैं पीनट डिप। मिक्सर जार में हम ये मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। अगर आप साबुत मूंगफली ले रहे हैं तो पहले उन्हें भून लें, उसका पाउडर बना लें, फिर उसके बाद ये पीनट डिप बनाएं। अब इसमें हम दही डाल देंगे, दही हमें गाढ़ा ही चाहिएगा। नमक डाल देंगे, जीरा भी डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ये नींबू का रस डाल देंगे और हम इसे पीस लेंगे। देखिए ये पीनट डिप हमारी पिस गई है। अगर आप टमाटर खाते हैं तो एक टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें। हम व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है। और नमक भी हमने सेंधा ही यूज़ किया है। पीनट डिप को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और चिप्स की तैयारी करते हैं। इंस्टेंट आलू चिप्स बनाने के लिए हमने 2 आलू ले लिए हैं। इनको हमने छील लिया है और पानी में डाल दिया है। अब इस आलू को हम अच्छे से एक मोटे रुमाल से पूछ लेंगे, खूब अच्छे से पूछ लेंगे हम इनको। देखिए हमने पूछ लिया है। अब नीचे भी एक टॉवल डालेंगे हम और इसको हम किसी चिप्स कटर की सहायता से इसको हम घिस लेंगे, चिप्स बना लेंगे और इसको हम हिलाते जाएंगे बनाकर, जिससे कि इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए। क्योंकि इनमें स्टार्च होता है इस तरह से हम दोनों आलू घिस के इन्हें फैला लेंगे। देखिए आलू के चिप्स कट कर लिए हैं। अब इस पर हम दूसरा टॉवल डाल देंगे और इसको अच्छे से हम इस तरह से इनका पानी सेट करेंगे, जिससे कि इनमें पानी थोड़ा सा कम हो जाए। धीरे धीरे करेंगे, ऐसा ना हो कि चिप्स टूट जाएं। इसी तरह से हम 5 मिनट करेंगे धीरे धीरे। इस तरह से भी हम पूछ सकते हैं, हल्का हल्का सा, जिससे थोड़ा ड्राई हो जाए। देखिए तौलिए से हमने 5 मिनट पूछ लिए हैं। अब इसको उतार देते हैं और 5 मिनट हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं इन्हें फरेरा होते हुए। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई में हमने तेल गरम होने रख दिया है। ईट डालकर देखते हैं तेल गरम है कि नहीं। अभी तेल गरम नहीं है, थोड़ा सा गरम हो जाए तब हम डालेंगे। देखिए तेल गरम हो रहा है। अब हम इनको चिप्स को डाल देते हैं, जितने भी कढ़ाई में आ जाए। हमें बहुत तेज तेल में नहीं डालना है, फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। देखिए एक कढ़ाई में हमने भर के डाल दिए हैं, वो हमें इन्हें सेकना है। अभी हमें नहीं बदलने हैं, 2 मिनट बाद बदलने हैं, नहीं तो अभी बदलेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब हम इन्हें बदल देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। इनको हम
इस साइड से भी 1 मिनट के लिए रख देंगे, फिर इनको बदलते बदलते सेकेंगे कुरकुरे होने तक। चिप्स को इधर से सेकते हुए 1 मिनट हो गया है, चेंज कर लेते हैं हम साइड। हम इसी तरह बदलते हुए सेक लेंगे। देखिए ये चिप्स सेक गए हैं, इनको हम उतार लेते हैं, गैस हमने स्लो कर दी है। कुरकुरे ये थोड़ी देर में रखने के बाद हो जाते हैं। इसी तरह हम अपने और चिप्स सेक लेंगे। देखिए ये चिप्स भी हमारे सिक गए हैं, इनको भी हम उतार लेते हैं, गैस हम बंद कर देते हैं और इनको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए ये चिप्स बन के तैयार हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, ये पीनट डिप बीच में रख देते हैं। रहना इसी पीनट डिप और चिप्स बनाना, मैं तो बना ही सकते हैं हम इनको, नॉर्मल रेज में भी बना सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।